चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का सबसे पहले टॉपिक लेते हैं कि सपोज आपको ऑनलाइन सिलेंडर बुक करना हो तो वो कैसे करेंगे। कुछ बच्चे इसमें नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, तो जिनको आता है वो देख लेंगे। सबसे पहले आप ओपन करेंगे क्रोम सॉफ्टवेयर, ये आपके एक ब्राउजर है, इस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज मैंने यहां पर लिखा गूगल। गूगल एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा सर्च इंजन है, आप उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको बुक करना अपना सिलेंडर, तो इसके लिए एक साइट होती है www.mylpg.in। चाहे आपका इंडियन का सिलेंडर हो, एचपी का हो या भारत का हो, आपको एक वेबसाइट लिखनी है www.mylpg.in। एंटर प्रेस किया, ये आपकी साइट ओपन हो गई है। आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको उस पर अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। यदि हम किसी को कुछ देते हैं, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका सिलेंडर कौन सा है, भारत का है, एचपी का है या इंडियन का है। सपोज मैंने सिलेक्ट किया, मेरा इंडियन का है, यहां पर क्लिक किया। अगर आपको भारत का है तो भारत पे क्लिक कर देना सिलेंडर पे, एचपी का है तो एचपी पे क्लिक कर देंगे, इंडियन का है तो इंडियन पे क्लिक कर देंगे। इंडियन नहीं होता, इंडियन होता है, ध्यान रखना इस चीज को। स्पेलिंग ध्यान से देखूंगा पता चलेगा इंडियन नहीं है, इंडियन है। इसके बाद सबसे ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है साइन इन और न्यू यूजर। अगर आपका पहले से अकाउंट इस पे हैगा तो आप क्लिक करेंगे साइन इन पे, अगर आपका अकाउंट इस पे नहीं है तो आप क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे। सपोज ये मान के चलते हैं कि आपका अकाउंट नहीं है, मैंने न्यू यूजर पे क्लिक किया। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, आपको क्या डालनी है, स्टेट डालनी है, यहां पर गए उत्तर प्रदेश। फिर वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान दो कि साइड में एक स्टार के साइन लग रहा है, जहां पर लिखा है स्टेट, ये लिखा है स्टेट, यहां पर एक साइन लग रहा है स्टार का, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये जो फील्ड है ये भरना कंपलसरी है। अगर किसी के आगे स्टार साइन नहीं लग रहा तो वो आपकी मर्जी है, भर भी सकते हो और नहीं भी, अगर वो स्टार लग रहा है तो वो आपको भरना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट पे गए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ रही है, मेरठ। आपने एंटर प्रेस किया, मेरठ आ गया। फिर आपने कहा आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर पे गए, बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, कोई बोल दो। राणा गैस एजेंसी, देख लेते हैं राणा गैस सर्विस आ गई। मैंने एंटर प्रेस किया, इसके बाद क्या रहा है कि अपना कस्टमर नंबर डालो, कंज्यूमर नंबर, जो आपका कंज्यूमर नंबर होता है, कस्टमर नंबर होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। आपकी जब गैस बुक करते हैं तो पूछता है कि आपका कस्टमर नंबर क्या, डालते 17325, वो बुक हो जाता है। क्या है नंबर, 9940। क्या आपने पहले इस पर रजिस्टर करवा रखा अपने आपको, नहीं 9940, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यूजर नेम क्या है, किस नाम से है वो, सुभाष चंद्र SHUBHASH CHA ND। कोई बात नहीं, स्पेस नहीं आएगा। अपनी ईमेल आईडी बताइए सर जी। वो कह रहे हैं कि ये यूजर नेम पहले से ही रजिस्टर्ड है, आप कोई और यूजर नेम रख सकते हैं। सपोज सुभाष कोई और भी होगा तो कह रहा है कि वो यूजर नेम है, आप कुछ और रख दो। यहाँ पर मैंने रखा यहाँ पर अक्षर रखते हैं AKSHAY। ईमेल आईडी कह रहा है अक्षर भी पहले से ही है इसमें। कोई ऐसा नाम बताओ जो कि इसमें पहले से ना हो। मैंने लिखा सुभाष अक्षय, स्पेलिंग लिख लेना। एंटर प्रेस किया, ये नहीं है सुभाष अक्षय। ईमेल आईडी बताइए सर जी अपने, apal7621@gmail.com। फिर वो कह रहा है कि क्या आपका कोई लैंडलाइन नंबर है, आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है। फिर आपका कोई मोबाइल नंबर जिसपे आप आपकी मैसेज आता हो,
बताइए सर। 9897 909051। फिर इसके बाद पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, राशन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर, क्या इसके आगे स्टार लगा हुआ आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। इसके बाद नीचे कैप्चा आ रहा है, आप इस कैप्चा को टाइप कर देंगे YHE3R3। मुझे वाई लग रहा है, अगर गलत होगा तो दोबारा कर देगा क्या? फिर इसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे बातें मत करो, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। प्लीज एंटर और एटलीस्ट एनी वन आईडी प्रूफ, कम से कम आपको एक आईडी प्रूफ डालना यहाँ पर कंपलसरी है। या तो पासपोर्ट का नंबर डालो या पैन कार्ड का नंबर डालो। पैन कार्ड नंबर है? आप कोई बात नहीं, पैन कार्ड नंबर बता दो या आधार कार्ड नंबर याद है पापा का, तो फिर डालना बेकार है। बस आपको यहाँ पर जो आपने दे रखा है पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, राशन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर, कोई सा भी एक नंबर डाल दो यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है, ये सबमिट हो जाएगा। और जो आपने अब क्या होंगे, ये ओपन कैसे होगा, जो आपने अभी इसमें ईमेल आईडी डाली है उस पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो आपको कहेगा पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप, तो वहां पर जाके अपना एक न्यू पासवर्ड रख देना और वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अपना बना रखा, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने क्या किया था, न्यू यूजर पे गया था, अब मैं जा रहा हूँ साइन इन पे। जैसे आप जीमेल पर भी आईडी बनाते हैं, सेम यही प्रोसेस है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे याद भी नहीं क्या है नाम, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, दोबारा देखना पड़ेगा। मुझे अभी पासवर्ड शायद ओपन हो गया, ओपन लग गया, मैच हो गया। अब मैंने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, वो ओपन हो गया है। अब करना क्या, ये ओपन हो चुका है, देखो ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है मेरी मदर का, जो है इस साइड आ रहा हो शायद, इसका मतलब वो ओपन हो गया है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपका यूजर नेम ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है देखो यहाँ पर लिखा सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री, जो भी आप सिलेंडर बुक करोगे वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपको ऑर्डर करना तो यहाँ से करोगे, सिर्फ इन दोनों का यूज करना है, इसके अलावा किसी और का यूज मत करना। सपोज मुझे एक सिलेंडर बुक करना है तो यहाँ पर लिखा है ऑर्डर ट्रैक यूर रिफिल, लिखा है यहाँ पर मेरा कर्सर रहा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और नीचे एक ऑप्शन आएगा, आप एरो के नीचे जाओ, जैसे ही आप बुक करोगे बुक नाउ पे तो आपका सिलेंडर बुक हो जाएगा। सपोज आपका पासवर्ड किसी और को पता चल गया तो वही बुक कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मैंने तो बुक किया नहीं, आप सिलेंडर लेके क्यों आए, लेकिन किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया, उसने बुक कर, तो सिलेंडर आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान रखना अपने पासवर्ड को किसी को मत बताना, ऐसा ना हो कि किसी और ने सिलेंडर बुक कर दे और आपके यहाँ पर आ जाए। तो बस मैं जैसे यहाँ पर बुक करूंगा, बुक करते सार ही मेरा सिलेंडर बुक हो जाएगा। अब पीछे जाने के लिए क्या करूंगा, होम पे जाऊंगा, जो भी मैंने सिलेंडर बुक किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री में, जो सिलेंडर बुक किए हैं उनकी हिस्ट्री शुरू से लेकर अब तक की सारी, मैंने कहा जितने सिलेंडर अब तक बुक किए हैं वो सारे दिखा दे। ये सिलेंडर तक बुक किए हैं आप देख सकते हैं, और जो मैं अब नया बुक करूंगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो मैं अब बुक करूंगा वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सबसे पहले डेट आएगी कि आपने वो कब बुक किया था, उसके बाद उसका ऑर्डर नंबर जो आप